फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का वाईफाई जो है वो कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट अगर नहीं चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब आपको अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में ना नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला मेटा सर्विस पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साथ वाला डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो मेटा सर्विस सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको जो है ना ऊपर की साइड में आना है, ठीक है। ऊपर की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सिस्टम आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।